हाय गुड इवनिंग गाइस, ये एक मॉडल तैयार किया गया है। ये जो मॉडल है ये एक्चुअली जो वेस्ट मैनेजमेंट है उस वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इसको मॉडल को तैयार किया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो वाटर है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। हम वाटर को इतना वेस्ट कर देते हैं कि वो हमारा पानी आने वाले 20-25 साल के अंदर पूरा अर्थ का जो पानी है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा और अपने इसको आदत में शामिल करना पड़ेगा कि हम इस वाटर को हम स्टोरेज कर सकें। तो होता क्या है कि हर घर में एक रूफ होती है, अगर जब भी रेन अगर होती है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ये रेन है इस रेन को हम इस रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा टैंक बना सकते हैं और छत के ऊपर एक बड़ा टैंक रख के रेन वाटर टैंक के अंदर हम इस वाटर को स्टोरेज कर सकते हैं। रेन वाटर स्टोरेज करने के बाद में ये जो वाटर है ये आपका नीचे एक स्टोरेज टैंक के अंदर आ जाएगा और इस स्टोरेज टैंक के वाटर को हम किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में किचन गार्डन है तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कार वॉशिंग में, मोपिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स के अंदर हम इस वाटर को इजिली यूज कर सकते हैं। उसके बाद हर घर में आरओ होता है। आरओ का एक मेन क्या सिस्टम होता है कि जब हम आरओ को फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के बाद में जो पानी होता है जो फिल्टर होने के बाद में इस टैंक में स्टोर हो जाता है, बट उसमें क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर है उसको हम क्या करते हैं कि हमारी आदत नहीं है और हम उसको नाली में बहा देते हैं। बट हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि वाटर एक बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है तो हमें इस वाटर को भी जितने तरीके से हम इसको स्टोर कर सकते हैं उतने ही तरीके से हमें इसको स्टोर करना चाहिए। तो हम आरओ के जो वेस्ट वाटर है उसको भी इसी स्टोरेज टैंक के अंदर में हम स्टोर कर लेंगे और इसी वाटर को हम सेम किचन गार्डन में, कार वॉशिंग में, मोपिंग में या फिर और अन्य जगह पे जहां पे भी इसका यूज हो सकता है उस वाटर को यूज करना चाहिए। अगर आप स्विमिंग पूल अगर आपके घर में है, आप स्विमिंग पूल का यूज करते हैं तो नेचुरली स्विमिंग पूल बहुत बड़ा होता है तो आपका जो रेन वाटर है वो इसके अंदर नॉर्मली स्टोर हो जाएगा। अगर स्टोर जितना होता है उतना ठीक है, बट अगर उसके अलावा जो आपका आरओ का वेस्ट वाटर है या जो आपका स्टोरेज टैंक है उससे भी आप इसको स्विमिंग पूल के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस मॉडल से मैंने यही इसमें दिखाया है कि जितने भी तरीके से आप वाटर को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वाटर एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है जो आगे आने वाले 10-15-20 साल में जो बहुत ही एक लोअर स्टैंडर्ड पे चला जाएगा, इसकी जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जितने तरीके से आप वाटर को स्टोर करना कर सकते हैं उसको स्टोर कीजिए, चाहे आप बाथिंग के दौरान हो या आप वॉश बेसिन में जब हैंड वॉश करते हो, नहाते हो, तो जितने भी तरीके से आप पानी को स्टोर कर सकते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पानी को स्टोर कीजिए और जितने भी तरीके आप यूज कर सकते हैं तो उसको यूज करने के लिए, आप स्टोर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए यूज कीजिए, क्योंकि जल ही जीवन है।